जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। पूरे देश में विरोध झेल रहे इमरान खान तिलमिला उठे हैं। देश में विपक्ष के विरोध के साथ साथ अब उन्हें लोगों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। और अब तिलमिलाए इमरान खान खुद विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मौलानाओं की समस्या और विपक्ष का एजेंडा समझ से परे है, वे किसी भी दबाव में इस्तीफा नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसी महीने उनके विपक्षी जो आजादी मार्च का आयोजन करने वाले हैं, उसके बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये एक एजेंडे पर आधारित है और इसमें विदेशी समर्थन मिल रहा है। इमरान खान ने कहा कि JUIF के विरोध से भारत में खुशी का माहौल है। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता रहमान ने आरोप लगाया था कि फर्जी चुनाव के कारण ही इमरान खान की सरकार बनी है, और वहीं इमरान खान ने कहा कि वो मौलाना फजलुर रहमान के दबाव में नहीं आने वाले हैं। गौरतलब है कि इमरान खान के शासन में पाकिस्तान की आवाम ने जो दिन देखे हैं वो शायद ही सहने लायक हों। लोग भूख से बेहाल हैं, दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं, लेकिन इमरान खान का ध्यान सिर्फ भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने पर है। हालांकि बैठक में इमरान खान ने स्वीकार किया कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जिसे उनकी सरकार सुलझाने की कोशिश कर रही है। खैर, इमरान खान कुछ भी बोले, लेकिन ये जनता ने देख लिया है कि किस तरह से उनके मुंह से निवाला छिनता गया और इमरान खान सिर्फ कश्मीर का राग अलापने में लगे थे। देश में लोग भूखों मर रहे थे और इमरान खान कश्मीर का पोस्टर लिए दुनिया की सैर कर रहे थे। बताते चलें कि अभी तक जिस कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने दहशत का कारोबार चला रखा था, वहां से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब अमन चैन कायम है। और ये बात पाकिस्तान को कैसे बर्दाश्त हो सकती है? मुजफ्फराबाद में भी पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे थे। जहां एक तरफ लोग शांतिपूर्ण ढंग से आजादी की मांग कर रहे थे, वहीं इमरान खान की सेना उन पर आंसू गैस के गोले बरसा रही थी। और अब POK की राजधानी मुजफ्फराबाद में आपातकाल लगाकर इमरान खान उनकी आवाज को दबाना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर छोड़ दो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।